हेलो दोस्तों, नेचर गरिमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर रेडी किया है मैंने फ्रूट कस्टर्ड टूटी फ्रूटी के साथ, एकदम ठंडा ठंडा यम्मी यम्मी। तो इसको बनाकर रेडी किया है मैंने। यहाँ पर दूध को मैंने दो तीन बॉईल आने तक उबाल लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें शक्कर डालेंगे और इलायची पाउडर, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट और बॉईल करेंगे, जब तक हम इसके लिए कस्टर्ड पाउडर का घोल रेडी कर लेते हैं। तो ये कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, उसमें 3 चम्मच मैंने ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर की 3 चम्मच लेके उसको अच्छे से घोल लिया है। इसमें जब तक कोई लम्स ना रहे, जब तक उसे हमें घोलना है, और जब ये घुल जाए तो उसको हमें धीरे 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 कर करके इसमें दूध में डालना है इस तरीके से, जिससे अगर एक साथ हम इसको डालते हैं तो इसमें गुठले से बन जाते हैं और ये चिपकने लगता है। तो हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसको डालना है। अब जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे हमारा दूध थिक होता जाएगा और ठंडा होने के लिए इसको साइड में रख देंगे। ये सारे फ्रूट्स मैंने इसके लिए कट करके रखे हैं। यहाँ पर अंगूर हैं, केला है, अनार है, सेव, एप्पल है, सेव। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको बस सभी चीज़ें डालने के बाद ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये अच्छे से अच्छे ठंडा होने लगेगा, तो इसको बाहर निकालिए और अच्छे से सर्व कीजिए। आपके मेहमान भी खुश, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आप फटाफट इसको निकाल कर, कुछ घर में मीठा ना हो तो इसको दे सकते हैं, और आप भी खुश, आपके गेस्ट भी खुश। इस फ्रूट कस्टर्ड खाना सबको पसंद रहता है, यहाँ तक बच्चे बूढ़े और हम बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि बच्चे इसको ठंडा ठंडा खाते हैं, उनको आइसक्रीम जैसी फीलिंग होती है। तो हमें बच्चों को इस तरह से बनाकर ज़रूर दें, ये बहुत ही हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट रहते हैं, और टूटी फ्रूटी डालकर तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा टूटी फ्रूटी पसंद रहती है। तो ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है, मैंने इसमें अब ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी डाल कट करके डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं। अरे यार बेटा उठाई नहीं, इतना पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस तरह बनाते रहिए, खाते रहिए, इंजॉय करते रहिए और सबको खिलाते रहिए। तो एक अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।